हेलो स्टूडेंट्स. यस सर. हेलो. यस सर. हेलो. यस सर. यस सर. हेलो. यस सर. यस सर. हेलो. हेलो. यस सर. यस सर. गुड मॉर्निंग. हेलो. यस सर. हेलो. यस सर. LC oscillations. LC oscillations. ये आपको टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. अगेन एक बार आप रिवीजन कर रहा हूं. देखिए एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन बिटवीन ए कैपेसिटर विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एन इंडक्टर विच स्टोर्स द मैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस. इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस. ये एलसी ऑसिलेशन का डेफिनेशन है. एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन ए कैपेसिटर विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एन इंडक्टर विच स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी आर कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन. इस एलसी ऑसिलेशन के लिए एक सर्किट फॉर्म किया जाता है जिस सर्किट को हम टैंक सर्किट कहते हैं. तो फिर व्हाट इज द टैंक सर्किट. ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्ट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द टैंक सर्किट एंड टैंक सर्किट प्रोवाइड द एलसी ऑसिलेशन. इसको हम कहते हैं टैंक सर्किट. अब आइए यहां पर स्टेप आता है कि टैंक सर्किट. टैंक सर्किट रियल में एलसी ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल टैंक सर्किट है. अगर टैंक सर्किट नहीं रहेगा तो फिर एलसी ऑसिलेशन नहीं होगा. तो ये सर्किट कंटेनिंग एक कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर. कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस यल इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड टैंक सर्किट. इज कॉल्ड टैंक सर्किट. टैंक सर्किट प्रोवाइड्स
the LC oscillations. तो ये डेफिनेशन है आपका टैंक सर्किट का. ए सर्किट कंटेनिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द टैंक सर्किट. टैंक सर्किट प्रोवाइड द एलसी ऑसिलेशंस. तो इस तरीके से आपने देखा कि व्हाट इज द एलसी ऑसिलेशंस एंड व्हाट इज द टैंक सर्किट. अब आइए हम टैंक सर्किट का कंस्ट्रक्शन करेंगे और विद द हेल्प ऑफ द टैंक सर्किट वी एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर. अब आइए हम टैंक सर्किट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. चार्ज मैक्सिमम look at the blackboard to explain the LC oscillations we construct the tank circuit 1 2 3 4 5. हमने 5 shape दिखाया है यहां पर tank circuit का. आपने study किया है कि अगर capacitor fully अगर charge है तो उसके अंदर electrical energy stored होगा. जिस energy का formula आप लोगों ने study किया है 1/2 Q² / C, यानी इसे देख लीजिए, ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/2 Q² / C. तो हम Q0 ले रहे हैं, वेयर Q0 इज द मैक्सिमम चार्ज. और मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 LI0² वेयर I0 इज द मैक्सिमम करेंट. ये आपने स्टडी किया है, बताया गया है आपको. अब आइए इस फर्स्ट फिगर पर डिस्कस करते हैं. सपोज कर लीजिए कि ये टैंक सर्किट है और इस टैंक सर्किट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है. तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इस कैपेसिटर के बाद 1/2 Q² / C एनर्जी स्टोर्ड है, वेयर Q0 इज द मैक्सिमम चार्ज.
ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के माध्यम से मीडियम से जो है डिस्चार्ज होना शुरू होता है, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ द इंडक्टर एंड करेंट फ्लो, एंड करेंट फ्लो इन द सर्किट, टैंक सर्किट। सेकेंड फिगर में आ जाइए आप। सेकेंड फिगर के अंतर्गत आपको दिखाया गया है कि ये कैपेसिटर इस इंडक्टर से डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होने का मतलब कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू द करंट फ्लो इनसाइड द टैंक सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये करंट फ्लो हो रहा है आपका पॉजिटिव टू निगेटिव टैंक सर्किट में, किसके किसके वजह से? ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और ये कैपेसिटर इस इंडक्टर की हेल्प से जो है डिस्चार्ज होता है, और उस डिस्चार्ज होने से आपका इस सर्किट में करंट का फ्लो होता है। जब करंट का फ्लो होता है तो इस इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जब ये करंट मैक्सिमा पर पहुंच जाता है तो उस समय टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, यानी EM इज इक्वल टू 1/2 LI0 स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आपने देखा कि फर्स्ट फिगर में मैंने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज लिया है, अब ये कैपेसिटर इस इंडक्टर से जब डिस्चार्ज होता है तो इसमें करंट का फ्लो होता है। जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है तो उस समय कैपेसिटर में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है और कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। ये फिगर पर आइए, फिर अगेन आपका कैपेसिटर जो है अगेन रिचार्ज होता है, अपने आप जो है रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हो गई है, इसके वजह से अब कैपेसिटर अगेन आपका रिचार्ज होता है, बट इस पोलारिटी इज रिवर्स, इसकी पोलारिटी चेंज हो जाती है। यानी जो प्लेट पहले पॉजिटिव चार्ज एक्वायर की थी वो अब निगेटिव चार्ज एक्वायर कर रही है, और जो प्लेट निगेटिव चार्ज एक्वायर की थी वो आपका पॉजिटिव प्लेट एक्वायर की है। जब चार्ज अपने मैक्सिमा पर पहुंच जाता है तो उस समय इंडक्टर में जो आपका मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर था, वो मैग्नेटिक एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर में स्टोर हो गई, यानी मैग्नेटिक एनर्जी आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंजर्व हो गई। फिर अगेन ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के द्वारा अगेन जो है डिस्चार्ज होता है। अब डिस्चार्ज होता है तो करंट का फ्लो तो होता है, बट फर्स्ट वाले केस के जस्ट अपोजिट करंट का फ्लो होता है, क्योंकि अब ये प्लेट पॉजिटिव और ये निगेटिव हो चुकी है, तो इसलिए करंट का फ्लो अब इस साइड से होता है। जैसे ही ये करंट का फ्लो होता है, ये करंट इस इंडक्टर में फ्लो करती है तो इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स होता है। जब करंट अपने मैक्सिमा पर पहुंच जाता है तो उस समय टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कन्वर्ट इनटू द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, यानी इस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व था वो टोटल इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और ये कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो गया। अगेन जो है आपका ये कैपेसिटर अगेन फिर जो है रिचार्ज होता है। जब रिचार्ज होता है तो फिर अब फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव एंड सेकेंड प्लेट निगेटिव चार्ज को एक्वायर करती है, और टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस वे यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, दिस इज कॉल्ड द LC ऑसिलेशन। तो ये LC ऑसिलेशन किसके बिहेवियर से हो रहा है? LC ऑसिलेशन जो है टैंक सर्किट के बिहेवियर से हो रहा है। जब टैंक सर्किट में हम कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर देते हैं, तो उस समय अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के द्वारा जो है डिस्चार्ज होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर के अंदर टोटल स्टोर्ड एनर्जी 1/2 Q0 square upon C कन्वर्ट इन द अराउंड द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 LI0 का स्क्वायर, और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। फिर जब अपने आप कैपेसिटर जो है चार्ज होना स्टार्ट करता है, लेकिन जब अपने आप कैपेसिटर चार्ज होता है तो अब इसकी पोलारिटी बदल जाती है, यानी जो प्लेट पहले पॉजिटिव चार्ज एक्वायर की थी वो आपका अब निगेटिव, और जो निगेटिव आपका चार्ज एक्वायर की थी प्लेट वो पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब कि अब जो इंडक्टर में आपका मैग्नेटिक एनर्जी है वो इस कैपेसिटर में आकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी टोटल एंड हो गई, यहां से खत्म हो गई। फिर कैपेसिटर इस इंडक्टर से डिस्चार्ज होता है तो फिर करंट का फ्लो होता है, और टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस मैग्नेटिक एनर्जी में कंजर्व हो जाती है। फिर इसके बाद कैपेसिटर चार्ज होता है तो फिर फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव एंड सेकेंड प्लेट निगेटिव होती है, जो फर्स्ट कंडीशन पर पहुंच गया।
इसका मतलब कि यहां से स्टेप स्टार्ट हुआ और यहां पर स्टेप पहुंच गया, जिसका वन साइकिल कंप्लीट हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द टैंक सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द टैंक सर्किट, दिस इज कॉल्ड द एलसी ऑसिलेशन। इसको हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये आपको टैंक सर्किट से बिहेवियर से एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी का ऑसिलेशन होता है तो वो किस टाइप का ऑसिलेशन होता है? ऑसिलेशन तो आपने पढ़ा होगा, ऑसिलेशन डैम्प्ड भी होता है, अनडैम्प्ड भी ऑसिलेशन होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, बट अनडैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअस डिक्रीजेज इज कॉल्ड द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी डैम्प्ड और अनडैम्प्ड, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, एक में आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और एक में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, किस टाइप का ऑसिलेशंस कर रहा, साथ ही साथ इसका किस टाइप का मोशन हो रहा, यानी एनर्जी का किस टाइप का ऑसिलेशंस हो रहा, उस ऑसिलेशन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो ऑसिलेशन क्या है। आइए देखा जाए, सपोज कर लीजिए कि आपके सामने ये सर्किट दिया गया है और ये आपका टैंक सर्किट है। तो टैंक सर्किट में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी इज इक्वल टू क्यू अपान सी होगा, भी इज इक्वल टू क्यू अपान सी, वेयर क्यू इज द मैक्सिमम चार्ज एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सपोज कर लीजिए कि ये कैपेसिटर जब टोटली डिस्चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है तो उस समय इस इंडक्टर में एक आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाल सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में आपको बताया गया होगा कि जब सर्किट में एक इंडक्टर लगा हो, जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उस करंट के वजह से उसके अंदर एक और भी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जिस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं, और वो इंड्यूस करंट मेन करंट का अपोज करती है, जिस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन का नाम दिए थे। तो अब बताइए कि एक क्वाइल में हम अप्लाइड वोल्टेज देते हैं और उस अप्लाइड वोल्टेज के वजह से उसी क्वाइल में एक आपका जो है बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिस बैक ईएमएफ को इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला आपको बताया गया था माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो आप बताइए इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू माइनस एल डी आई अपान डी टी जो आपको बताया गया है। आप बताइए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोथ आर एक्सचेंज, इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर इज इक्वल टू द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द इंडक्टर, बोथ आर इक्वल्स, दोनों ही इक्वल्स होगा। तो आप बताइए कि आप कह सकते हैं कि भी इज इक्वल टू ई, बोथ आर इक्वल, भी मींस क्यू अपान सी और ई मींस माइनस एल डी आई बाई डी टी। आफ्टर ट्रांसपोज You can get L di by dt और plus q upon c is equal to zero. But you know that instantaneous electric current, the rate of flow of electric charge in the circuit is called the instantaneous electric current, and that instantaneous electric current you can write I is equal to dq upon dt. I is equal to dq upon dt. Put the value of I into these equations. L d upon dt और I की जगह आप value put कर दीजिए dq upon dt plus q upon c is equal to zero. L dq अपान dt का डिफरेंशिएट करने पर आपको फॉर्म मिलेगा d2 q अपान dt स्क्वायर प्लस q अपान c इज इक्वल टू जीरो, डिवाइड बोथ साइड बाय कैपिटल L, यानी इस इंडक्टेंस से बोथ साइड में डिवाइड कर दीजिए
आप जानते हैं कि अगर सेम नंबर से हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड डिवाइड कर दे तो देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपान एल सी इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए कि हमने जो है सिंप्लीफाई किया, यहां पर कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया गया कि जो टैंक सर्किट है, अगर टैंक सर्किट में कैपेसिटर को हम फुली चार्ज लेते हैं तो उस समय कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जिसका वैल्यू भी इक्वल टू क्यू अपॉन सी लिया, वेयर क्यू इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, ये वैल्यू हो गया। जब ये कैपेसिटर टोटली जब डिस्चार्ज हो जाता है तो इसकी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी अराउंड द इंडक्टर। तो जब ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा तो उस समय इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ क्रिएट्स हो जाएगा, जिस बैक ईएमएफ को हम इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। रियली ये बोथ आर इक्वल, दोनों ही क्या होंगे इक्वल्स होते हैं। तो भी इज इक्वल टू ई, तो भी की जगह हमने वैल्यू क्यू अपॉन सी पुट कर दिया, ई की जगह वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी पुट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया हमने इस वैल्यू को तो एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो मिल गया। आपने पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बट दैट फार्मूला रिटन इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज रिटन आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ आई इन टू दिस इक्वेशन, हेंस एल डी आई डी अपॉन डी टी डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम कहते हैं डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, और मैथमेटिकल रूल में कहते हैं इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो। हमने एल से बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू जीरो। हम इस स्टेप पर पहुंचे हैं। अब आइए इस इक्वेशन से क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके सामने फाइंड आउट हो रही है। डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन एराइजेज होता है कि इस इक्वेशन से आपके आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो याद करिए क्लास 11th के अंतर्गत आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर आपको बताया गया था, और बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन को आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया था, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और साथ ही साथ कंडीशंस भी आपने यूज किया था कि व्हाट इज द कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आपने स्टडी किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने स्टडी किया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर फाइव ऐड कर देंगे तो वहां पर फाइव फेज डिफरेंस होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जिसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया गया था, और आप डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से जब आपने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, याद करिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताया गया था उस समय डी टू यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू जीरो। याद करिए आप लोग क्लास 11th में ये स्टेप आपको बताया गया था, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो आप बताइए कि जो हमने एलसी ऑसिलेशन के अंतर्गत हमने जो चार्ज के रूप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया है, ये चार्ज के रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वावैलेंट है, यानी बोथ इक्वेशन आर इक्वावैलेंट टू ईच अदर, because this equation is in the form of the charge and this equation is in the form of the displacement. तो दोनों equation को अगर comparison करा दिया जाए
तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन शोज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस इक्वेशन इज आल्सो सो दैट चार्ज आल्सो ऑसिलेट इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एलसी ऑसिलेशन. यानी एलसी ऑसिलेशन में चार्ज जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कंटीन्यूअस चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम. इसका मतलब कि यहां पर भी आपने देखा जो मैंने डायग्राम के अंतर्गत आपको एक्सप्लेन किया वहां पर भी मैंने देखा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कंटीन्यूअस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम. क्योंकि कभी एक प्लेट पॉजिटिव तो एक फिक्स इंटरवल के बाद वो प्लेट निगेटिव और दूसरी प्लेट पॉजिटिव हो जा रही है यानी इंटरचेंज हो रहा. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एलसी ऑसिलेशंस में जो चार्ज होता है वो सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस करता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करता है. तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी ऑसिलेशन क्या होगा एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी. उस एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जब कंफर्म हो गया कि दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन सो इन द कंपैरिजन ऑफ बोथ इक्वेशन देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC. देखो यहां पर x का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर तो यहां q का कोफिशिएंट 1/LC होगा. तो बोथ इक्वेशन आर कंपैरिजन टू ईच अदर देन यू कैन गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. And you know that omega is equal to 2 pi f is equal to 1/√LC. Hence, f is equal to 1/2π√LC. So finally, आपने क्या देखा कि in LC oscillation, the charge oscillate in the simple harmonic motion. Whose frequency is calculated by the formula 1/2π√LC. इस फार्मूले से आप जो है एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपका स्टेप था एलसी ऑसिलेशन. हेलो यस सर यस हाँ हेलो स्टूडेंट्स यस सर जा रहे हेलो हेलो यस सर हेलो यस सर यस सर हेलो हेलो यस सर हेलो यस सर जा रही है. ठीक है कोई बात नहीं है चलिए तब ये आज का टॉपिक जो है एलसी ऑसिलेशन पर स्टॉप कर देते हैं. अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे और वो है आपका ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर टॉपिक को हम नेक्स्ट टर्न पर एक्सप्लेन करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली अब ये चैप्टर आपका जो चल रहा था अल्टरनेटिंग करेंट अब वो लगभग एंड की तरफ आपका चल रहा है. तो नेक्स्ट आपका जो है टाइम पर जो है आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा. उसके बाद आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हाँ लेकिन बच्चों का आवाज नहीं है बीच में अब म्यूट कर दिए देगा.